हेलो प्रिंस, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ बैर के अचार बना के दिखाने। ये बहुत ही अच्छी सी खट्टी मीठी सी होती है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और घर पे बहुत इजीली बन जाती है। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बैर के अचार के लिए चाहिए 500 ग्राम बैर पका हुआ, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से 5-6 बार वॉश करके रखी हूँ। और मसाला के लिए लिए मैंने 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून सौंफ और 5 लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से देना। और लिया मैंने थोड़ी सी गुड़ और लिया मैंने पानी। बैर को मैंने 5 मिनट भिगो दिए थे। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से फूल गए। इसको मैंने इस तरीके से बीच में से थोड़ा सा तोड़ लेंगे इसके अंदर, इसलिए कि मसाला भी अंदर चले जाएगा, इसके गुड़ भी अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा, खट्टी मिट्टी बनेंगे। इस तरीके से मैं सारे बैर को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ लेंगे। अब मैंने चूल्हे के गैस ऑन करके तवा को चढ़ा दिए। तवा मेरा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने सौंफ, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अजवाइन और मेथी, ये सारे को बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा मत पकाना, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना। ये ड्राई रोस्ट हो गया। अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लेंगे। पाँच मिनट इसको रेस्ट करके मैंने पाउडर बनानी है। अब इस पे हल्का सा पानी डाल दिए। गुड़ को गलाने के लिए जब तक मेरे गुड़ के मिश्रण तैयार हो जाए तब तक मैं इसको तोड़ लेंगे। गुड़ के पाक मेरा तैयार हो गया। अब देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से गुड़ पाक हो गया। अब मैं इसमें क्या करेंगे, हल्के हाथों से ऐसे बैर को डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे। मैं इसमें नमक नहीं डाले क्योंकि गुड़ में हल्का सा नमक की मात्रा होता है। जो मसाले के मैं पाउडर बनाए थे वो मैंने इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छे से खुशबू आ रहा है। आप अपने घर पे बना के देखना, बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेना। यह पूरा शाल आपको ये इस तरीके से ही रहेंगे। इसको जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डब्बा में पैक करके रखोगे तो ये शालों शाल रहते हैं। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, जो आपको आप बनाओगे तब आपको पता लगेगा कितनी अच्छी सी खुशबू इसमें से आती है जब मसाला भून के हम डालते हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छा बैर के अचार बन के तैयार हो गया। मैं जा रही हूँ इसको साफ करने। बैर के अचार बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी इतनी स्वादिष्ट है।
और बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं। मेरे को मुश्किल से 15 मिनट टाइम लगा है। तो मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।